ओम शांति। भगवान के प्रिय बच्चों, स्वयं से एक सुंदर सा प्रश्न करो। आपको लोकप्रिय बनना है या पूजनीय बनना है? लोकप्रिय माना संसार जिसकी महिमा करे, जो लोगों को पसंद आए, जो आत्मा लोगों को पसंद आ जाती है उसे लोगों द्वारा महिमा की प्राप्ति होती है, प्रशंसा की प्राप्ति होती है। और अगर उस महिमा और प्रशंसा को हम स्वीकार कर लेते हैं तो देह अभिमान अहंकार की प्राप्ति होती है। ये अहंकार और अभिमान हमें आगे नहीं बढ़ने देता, हमारी प्रगति को रोक करके पतन की ओर ले जाता है। जबकि पूजनीय बनने से प्रभु के प्यार की प्राप्ति होती है। पूजनीय वही बन सकता है जो दूसरों को सुख देता है। पूजनीय वही बन सकता है जो सबसे दुआएं लेता है। अब स्वयं से खुद ही पूछ लीजिए और निर्णय कर लीजिए कि आपको जीवन में सिर्फ महिमा और प्रशंसा सुननी है या जीवन में सच्चा सुख, शांति और दुआएं चाहते हो। प्रशंसा और महिमा तो आज जिस व्यक्ति से मिल रही है, कल वही व्यक्ति आपकी आलोचना भी कर सकता है। लेकिन जो आत्माएं भगवान की याद से, परमात्मा की शक्तियों से सबको भरपूर करती हैं, उन्हें पूजनीय देव पद की प्राप्ति होती है। और पूजनीय आत्मा के आगे लोग सिर से नहीं बल्कि दिल से भी झुक जाते हैं। इसलिए ऐसा विशेष बनो और संगम युग की हद की चाहनाओं से मुक्त हो जाओ और संगम युग की ईश्वरीय प्राप्तियों से स्वयं को भरपूर करके रखो। ये याद रखो, जितना जितना महिमा सुनने की, प्रशंसा सुनने की इच्छा होगी, उतना उतना हमारी पूंजी खर्च होती चली जाएगी। और जितना हम पूजनीय बनते चले जाएंगे उतना ही पुण्य का खाता भरपूर हो जाएगा। ओम शांति।